ऑल राइट, दिस इज अवर लेसन फोर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। अभी तक हम लोगों ने वेबसाइट डिजाइन सीखा था। जब आप एक बार वेबसाइट डिजाइन कर लेते हैं तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपकी वेबसाइट में ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करें। इसको बोलते हैं ट्रैफिक लाना। ट्रैफिक वर्ड कहीं भी आप डिजिटल मार्केटिंग में सुने उसका सिंपल सा मतलब होता है कि लोगों को अपनी वेबसाइट पर लेकर के आना। सबसे ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं या फिर सबसे बड़ा जो ट्रैफिक का सोर्स है वो है गूगल। सबसे ज्यादा लोग गूगल पे सर्च करते हैं और लोगों की वेबसाइट विजिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पता करना था कि बेस्ट डॉक्टर कानपुर में कौन है, तो उसने गूगल पे लिखा बेस्ट डॉक्टर इन कानपुर, और जो भी वेबसाइट से अभी जिस डॉक्टर का नाम सबसे ऊपर आएगा लोग उसी पर क्लिक कर देते हैं। इसलिए सभी डॉक्टर से अभी सभी बिजनेस चाहते हैं कि उनका नाम गूगल में सबसे टॉप पर आए। तो किसी भी कंपनी को सबसे टॉप पर गूगल में लाने के लिए हमें SEO करना होता है, जिसे बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, जो कि आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में भी हम लोग समझने जा रहे हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, 3 वर्ड्स हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। पहले हम लोग ये समझेंगे कि सर्च इंजन क्या होता है और फिर हम लोग समझेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। तो अभी हम लोग सीखेंगे अबाउट वेरियस सर्च इंजन, पार्ट्स ऑफ गूगल सर्च और हाउ गूगल सर्च वर्क। अलग अलग सर्च इंजन के आपने नेम सुने होंगे, जैसे गूगल, बिंग, याहू, बैडू, आस्क, गूगल, और भी ऐसे ही कई सारे सर्च इंजन हैं। इनमें से सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है गूगल। गूगल सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सर्च इंजन है, वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा पॉपुलर सर्च इंजन है। तो जो गूगल सर्च इंजन है, पहले हम लोग इसकी वर्किंग समझते हैं कि ये सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। जब भी कुछ हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल इमीडिएटली 1 सेकंड से भी कम टाइम में कई सारी वेबसाइट हमारे सामने दिखा देता है। तो इतना फास्ट गूगल कैसे वर्क करता है, इसकी वर्किंग को हम लोग समझते हैं। गूगल की वर्किंग को हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल से, एक लाइब्रेरी के एग्जाम्पल से। आपने अपने कॉलेज में या फिर अलग अलग जगहों पे अलग अलग लाइब्रेरीज विजिट की होंगी। लाइब्रेरी में थाउजेंड्स ऑफ बुक्स होती हैं, अलग अलग तरीके की वहां पर बुक्स रखी होती हैं। इस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि गूगल कैसे वर्क करता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं किसी लाइब्रेरी में आप गए जहां पर 1 लाख बुक है, 1 लाख किताबें हैं। अब आपसे किसी ने कहा, आपने लाइब्रेरियन से कहा कि एक बुक दे दीजिए। सपोज आपने कह दिया कि चेतन भगत ने जो बुक लिखी है वो बुक निकाल करके हमें दे दीजिए, तो वो लाइब्रेरियन वो बुक निकाल करके कैसे देगा? इसके लिए लाइब्रेरियन क्या करेगा कि अपने लाइब्रेरी में जाएगा और जहां पर ऑथर्स के नेम लिखे होंगे वहां पर देखेगा कि चेतन भगत के नेम से कौन सी बुक है, वो निकाल करके आपको दे देगा। अगर आप इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात बोलते हैं, अगर आप बोलते हैं जाके लाइब्रेरियन से कि APJ अब्दुल कलाम के ऊपर अगर कोई भी बुक लिखी गई हो तो वो निकाल करके हमें दे दो, तो वो फिर अलग अलग बुक्स में देखेगा कि APJ अब्दुल कलाम की बुक कौन सी है। तो इसके लिए लाइब्रेरियंस करते क्या है कि ABCD वाइज अपने यहाँ पर बुक्स को रख लेते हैं, तो वो ए वाले कॉलम में जाते हैं और वहां पर चेक करते हैं। इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी अगर हम उस लाइब्रेरियन से ये बोले कि आपके यहाँ पर जितनी भी बुक्स हैं उनमें से अगर किसी भी बुक में, उन बुक्स के किसी भी पेज में और किसी भी पेज की किसी भी लाइन में अगर APJ अब्दुल कलाम लिखा हो तो वो बुक निकाल करके दे दो। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिचुएशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। लाइब्रेरी में थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हैं, अभी तो उन्होंने एग्जांपल लिया था 1 लाख बुक का, तो 1 लाख बुक है और हर बुक में कम से कम 100 पेजेस तो होंगे ही होंगे, तो ये लगभग 1 करोड़ के पेजेस हो गए। हर पेजेस में कम से कम 10-10 लाइनें होंगी, तो 10 करोड़ लाइन हो गई और हर लाइन में 5-6 वर्ड्स तो होते ही हैं, तो 5 करोड़ वर्ड्स से उसको निकाल करके देना है 3 वर्ड्स APJ अब्दुल कलाम, और ये जिस भी बुक में लिखे हो वो निकाल करके देना है। तो वो लाइब्रेरियन वाला ये वर्क अब नहीं कर पाएगा। एक एक बुक को वो रीड तो करेगा नहीं कि एक एक बुक में जाए और रीड करे और देखे कि APJ अब्दुल कलाम लिखा है कि नहीं लिखा है। लेकिन अगर यही सेम सिचुएशन हम गूगल से बोलें, अगर हम गूगल से कहें कि APJ अब्दुल कलाम जहां जहां इंटरनेट पर लिखा हो हमें निकाल करके दे दीजिए, तो ये देखिए गूगल ने इतनी लोकेशन से APJ अब्दुल कलाम निकाल करके दे दिया। लगभग इतनी वेबसाइटों में लिखा हुआ है APJ अब्दुल कलाम जहां से गूगल हमें निकाल करके दे दिया। ये 1 करोड़ से ज्यादा वेबसाइट्स हैं जहां से गूगल हमें निकाल करके दिया, और वो भी टाइम देखिए आप 1 सेकंड से भी कम टाइम में, 0.70 सेकंड में, जो कि 1 सेकंड से भी कम है। तो इतना फास्ट कैसे हुआ गूगल? जो लाइब्रेरी वाला ये काम कभी ना कर पाता, गूगल ने ये 1 सेकंड से भी कम टाइम में कैसे कर दिया? इस वर्किंग को हम लोग समझते हैं और यही हमारा अभी हेडलाइन है कि हाउ गूगल सर्च वर्क। तो जो लोग नोट करते हैं नोट कर सकते हैं, हेडलाइन है हमारी फंक्शन ऑफ गूगल सर्च। इसको समझना बहुत जरूरी है, यहीं से आप SEO का अंदाजा लगा पाएंगे कि SEO में हम लोग एक्चुअल में करते क्या है। SEO एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक होता है डिजिटल मार्केटिंग का। तो ओके, समझते हैं कि गूगल सर्च वर्क कैसे करता है। गूगल सर्च 3 स्टेप में वर्क करता है। पहला स्टेप होता है क्रॉलिंग बाय स्पाइडर्स, दूसरा स्टेप होता है इंडेक्सिंग, और थर्ड वन इज सर्विंग एंड रैंकिंग।
इन तीनों स्टेप का मतलब क्या है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। क्रॉलिंग का मतलब होता है कि अलग अलग वेबसाइट्स में जाना और वहां से डेटा क्रॉल करके लाना। गूगल के अपने कई सारे सर्वर्स होते हैं, उन सर्वर्स में क्या करता है, गूगल की अलग अलग वेबसाइट्स में जाकर के डेटा लेकर के आता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा एक वेबसाइट बनाई थी कानपुर फैशन स्टोर .apz.com। तो जो गूगल के क्रॉलर्स होते हैं या फिर इनको स्पाइडर भी बोलते हैं, ये इस वेबसाइट में आएंगे, ऑटोमेटिक आएंगे, बिना इनवाइट किए भी आएंगे, और इस वेबसाइट में जो भी फोटोज आप देख रहे हैं, जो भी सब टेक्स्ट लिखा हुआ है, नीचे आप जो भी कंटेंट देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, मैप देख रहे हैं, ये सब क्रॉल करके वो ले जाएंगे अपने पास। एक एक वर्ड, एक एक टेक्स्ट, एक एक लाइन को आएंगे और क्रॉल करके ले जाएंगे। इस तरीके के स्पाइडर्स या एल्गोरिथम प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारी वेबसाइट पर आते हैं और सभी कुछ कंटेंट को क्रॉल करके ले जाते हैं। यहाँ तक कि वो सिर्फ वेबसाइट से ही कंटेंट नहीं क्रॉल करते हैं, वो आपके मोबाइल ऐप से भी कंटेंट क्रॉल करते हैं, आपके जीमेल से, पब्लिक डेटाबेस से बुक स्कैन कर लेते हैं, इंटरनेट पर कहीं भी कोई भी कंटेंट होता है तो वो आते हैं और क्रॉल करके चले जाते हैं। तो क्रॉलिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग वेब पेजेस और इंटरनेट इज कॉल्ड क्रॉलिंग। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉलिंग। इसको आप एग्जाम्पल को रिलेट कर सकते हैं लाइब्रेरी वाले एग्जाम्पल से। जैसे लाइब्रेरी वाला क्या करता है कि अलग अलग जगहों से अपने आप बुक लेकर के आता है। इस लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं वो लाइब्रेरी वाले अलग अलग जगहों से अलग अलग टाइम पे लेकर के आया होगा। वैसे ही गूगल भी करता है कि अपने यहाँ पर लाने के लिए अलग अलग जगहों से बुक लेकर के आता है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इंडेक्सिंग। देखिए, लाइब्रेरी वाला कह रहा था कि हम बुक्स तो 100,000 ले आएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमें ये है कि इन बुक्स को हम रखेंगे कैसे, इन बुक्स को स्टोर कैसे किया जाए, जिससे कि कोई मांगे तो उसे हम तुरंत निकाल करके दे दें। तो बुक्स को रखना अपने आप में एक चैलेंज है। बुक्स को लाना बड़ा चैलेंज नहीं है, बुक्स को रखना चैलेंज है, और यही गूगल में महारत हासिल है। इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। इसके लिए गूगल के हजारों कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि जो डेटा लेकर के आए हैं क्रॉलर्स, उनको अपने पास स्टोर करना। आफ्टर ए पेज इज डिस्कवर्ड, गूगल ट्राइज टू अंडरस्टैंड व्हाट द पेज इज अबाउट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग आप समझ पा रहे होंगे क्या है। इंडेक्सिंग का सिंपल सा मतलब है कि जो डेटा गूगल लेकर के आए हैं, गूगल के क्रॉलर्स, उनको अपने पास स्टोर करना। फिर आता है थर्ड स्टेप, जिसका नाम है सर्विंग एंड रैंकिंग। सर्विंग का सिंपल सा मतलब है कि जब भी कोई मांगे तो उसको सर्व कर देना, उसको निकाल करके दे देना। जैसे कि हमने गूगल से कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम, तो उसने हमें यहाँ पे निकाल करके दे दिया। सपोज हमने गूगल से कहा कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन कानपुर, तो गूगल ने हमें यहाँ पर निकाल करके दे दिया। इसी को बोलते हैं सर्विंग करना। तो ये जो हमारा थर्ड स्टेप है, इसको बोलते हैं सर्विंग करना, कि जब भी कस्टमर कोई सर्च करे तो उसको सर्व कर देना। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, गूगल के कौन से थ्री स्टेप होते हैं, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्विंग। क्रॉलिंग मतलब डेटा लाना, इंडेक्सिंग मतलब डेटा स्टोर करना, सर्विंग मतलब जब भी कोई डेटा मांगे तो उसको निकाल करके दे देना। इसके बाद हम लोग दो डाउट्स और अपने क्लियर करेंगे। पहला डाउट तो ये है कि गूगल नेवर क्रिएट्स कंटेंट, गूगल कभी भी कोई भी कंटेंट क्रिएट नहीं करता। मैंने पहला सेंटेंस बोला जो कि आपको डाउट क्लियर करना है कि गूगल नेवर क्रिएट्स कंटेंट। इसका मतलब ये है कि गूगल पे जो भी आप फोटोज, इमेजेस, टेक्स्ट वगैरह देखते हैं, वो खुद गूगल ने कभी नहीं बनाए हैं, वो किसी न किसी और वेबसाइट से गूगल ने कॉपी किए हैं या फिर वहाँ के वेबसाइट का कंटेंट यहाँ पर दिखाया है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ एज ऑफ पप्पू, तो ये देखिए राहुल गांधी का नाम आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गूगल ने क्या किया है कि अलग अलग वेबसाइट्स को विजिट किया, क्रॉल किया, और वहां से उसको समझ में आया कि पप्पू का मतलब है राहुल गांधी, और उसने देखिए राहुल गांधी का नाम यहाँ पर बता दिया। या फिर मैं दूसरे एग्जाम्पल समझाऊं, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि वेदर ऑफ वेदर टुडे, कानपुर में आज वेदर क्या है, तो ये देखिए 17 डिग्री बता रहा है गीता नगर का, जो कि इससे कम ही होगा क्योंकि सभी लोग आज एब्सेंट है। तो 17 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर बता रहा है। ये टेम्परेचर गूगल ने यहाँ पर आगे नहीं चेक किया होगा, इसने किसी और की वेबसाइट से निकाल लिया, weather.com की वेबसाइट से टेम्परेचर निकाल लिया है। तो इसका सिंपल से मतलब है कि गूगल नेवर क्रिएट्स कंटेंट। इसका एक और मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर मैं यहाँ पर सर्च करूं अरुण चौहान, तो यहाँ पर देखिए इतने सारे जो अरुण चौहान की फोटो आ रहे हैं, इनमें से वो जो अरुण चौहान हमारे सामने बैठे हुए हैं वो नहीं आ रहे हैं। तो अब अगर आप भी अरुण चौहान गूगल में सर्च करें या फिर पूरा कानपुर भी गूगल में सर्च करें अरुण चौहान, तो अरुण चौहान की फोटो गूगल में नहीं आएगी। ये फोटो तभी आएगी जब तक ये फोटो किसी न किसी वेबसाइट पर होगी। बात आप समझ रहे हैं? इवन पूरा इंडिया भी अगर आज अरुण चौहान सर्च करने लगे
तो भी वो फोटो गूगल पर नहीं आएगी। कोई भी चीज गूगल पे तभी आती है जब वो ऑलरेडी किसी वेबसाइट पर होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि डिबेट्स वगैरह में कहने लगते हैं कि गूगल कर लो, तो जरूरी नहीं कि गूगल पे आने वाली हर बात सही ही हो, वो गलत भी हो सकती है क्योंकि वो खुद किसी और की वेबसाइट से निकाल करके लाता है। सेकेंड डाउट जो आपको क्लियर करना है वो ये है कि व्हेन वी सर्च ऑन गूगल, वी एक्चुअली सर्च ऑन गूगल इंडेक्स नॉट ऑन इंटरनेट, नॉट ऑन इंटरनेट। ये जो मैंने सेकेंड सेंटेंस बोला इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मैंने गूगल पे सर्च किया था एपीजे अब्दुल कलाम, तो ये जब मैंने कीवर्ड सर्च किया था तो इसका मतलब ये नहीं कि गूगल अलग अलग वेबसाइट में गया होगा और उसने देखा होगा कहाँ कहाँ एपीजे अब्दुल कलाम लिखा है, ऐसा नहीं होता है। गूगल अपनी इंडेक्स में देखता है, अपनी लाइब्रेरी में देखता है कि वहां पर कहीं कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम लिखा हो, और जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो निकाल करके हमें यहाँ पर दे देता है। तो अगर मैंने एपीजे अब्दुल कलाम सर्च किया तो इसका मतलब ये नहीं कि गूगल पहले विकीपीडिया के पास गया होगा, फिर गूगल गया होगा अब्दुल कलाम डॉट कॉम के पास, फिर गूगल ब्रिटेनिका डॉट कॉम के पास गया होगा, जागरण जोश डॉट कॉम के पास गया होगा, वो कहीं नहीं गया होगा। उसने अपनी लाइब्रेरी में चेक किया होगा, अगर वो बुक अगर वो नेम कहीं पर लिखा होगा तो निकाल करके दे देता है। जैसे कि हम लोग लाइब्रेरी वाले से जब कोई बुक मांगते हैं तो वो बुक सर्च करने के लिए पूरे इंडिया में थोड़ा ही घूमता है, वो अपनी लाइब्रेरी में चेक करता है, अगर बुक होती है तो निकाल करके दे देता है। और लाइट तो यहाँ से आपने दो डाउट्स क्लियर किए कि सर्च इंजन में कभी कोई कंटेंट खुद नहीं क्रिएट किया जाता है, और जब हम लोग सर्च करते हैं तो एक्चुअली हम लोग सर्च करते हैं उसकी इंडेक्स में। तो वर्किंग आप समझ गए होंगे, तीन स्टेप की वर्किंग है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्विंग। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं गूगल के जो तीन स्टेप है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्विंग, इनमें जो ये दो स्टेप है, क्रॉलिंग करना और इंडेक्सिंग करना, इनसे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। गूगल आए अपना क्रॉल करे हमें मतलब नहीं है, इंडेक्स करे हमें इससे भी मतलब नहीं। हमें मतलब इस बात से है कि जब कोई सर्च करे बेस्ट स्कूल इन कानपुर तो मेरा स्कूल का नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, मतलब कि सर्विंग से हमें मतलब है। ये जो सर्विंग वाला स्टेप होता है, हमें मतलब है इससे कि जब कोई गूगल पे सर्च करे तो हमारा नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। तो अपना नाम सबसे ऊपर लाने के लिए तो बहुत सारे स्कूल है, कानपुर में 100 से ज्यादा स्कूल है जो सबसे ऊपर आना चाहते हैं। तो गूगल करता क्या है कि उन स्कूल की रैंकिंग करता है, एक से लेकर के अगले अगले पेजेस में रैंकिंग करता है कि सबसे पहले नंबर पर ये आएंगे, दूसरे नंबर पर ये आएंगे, तीसरे नंबर पर ये आएंगे, चौथे नंबर पर ये आएंगे, इस तरीके से वो रैंकिंग करता है। और ये रैंकिंग करने के लिए कि कौन पहले नंबर पर आएगा कौन दूसरे नंबर पर आएगा, गूगल ने 200 से ज्यादा फैक्टर्स बना रखे हैं। गूगल के 200 से ज्यादा फैक्टर्स हैं जिनके हिसाब से वो डिसाइड करता है कि कौन सी वेबसाइट ऊपर आएगी और कौन सी वेबसाइट नीचे आएगी, मतलब कौन किसकी रैंकिंग नंबर वन होगी और किसकी रैंकिंग नंबर टू होगी, कौन पहले पेज पर आएगा और कौन सेकेंड पेज पर आएगा। तो ये जो 200 फैक्टर्स हैं गूगल के, हम लोग करते क्या है कि सर्च इंजन के ये जो 200 फैक्टर्स हैं इनके अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, और इसी को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन के जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना, एंड इट इज नोन एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वन लाइन में अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो लिख सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द टेक्निक टू ऑप्टिमाइज अवर वेबसाइट अकॉर्डिंग टू रैंकिंग फैक्टर्स ऑफ सर्च इंजन। इसके अलावा गूगल में भी आपको सर्च इंजन की कई अलग अलग, एसईओ की कई अलग अलग डेफिनेशन मिल जाएंगी। तो ये आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी के लिए थैंक यू सो मच। एसईओ टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट किया जाएगा।